नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, ऑड इवन के फॉर्मूले पर होगी जेई परीक्षा, नीट में हर कमरे में सिर्फ 12 छात्र। पीएम के मन की बात के बाद सीएम ने दिए संकेत, स्वदेशी खिलौना कारोबार में संभावना टटोलेगी सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिले डीआरडीओ के चेयरमैन, रक्षा से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने पर की चर्चा। बीजेपी विधायक पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का धरना, यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी विधायक के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। अब घर बैठे बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे देश विदेश के श्रद्धालु। देवस्थानम बोर्ड ने बद्रीनाथ धाम से ठीक सामने स्थापित किया कैमरा। नैनीताल में काश्तकारों को नहीं मिल रहे खरीदार, ग्रामीणों को जीवन यापन करने में परेशानी, बारिश के कारण सब्जियां हो रही खराब। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, कृषि उद्यान एवं रेशम विकास मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। सुबोध उनियाल गामा सर्किट हाउस कोड गोदाम में कर रहे बैठक। कृषि उद्यान एवं रेशम विकास मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, कृषि उद्यान एवं रेशम विकास मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सुबोध उनियाल सर्किट हाउस कोट गोदाम में कर रहे हैं बैठक। कृषि उद्यान एवं रेशम विकास मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है, कृषि उद्यान एवं रेशम विकास मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। सुबोध उनियाल सर्किट हाउस कोट गोदाम में कर रहे हैं बैठक। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे कृषि उद्यान एवं रेशम विकास मंत्री। सुबोध उनियाल सर्किट हाउस कोट गोदाम में कर रहे कृषि उद्यान एवं रेशम विकास मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, कृषि उद्यान एवं रेशम विकास मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सीधी तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। और अब बढ़ेंगे खबरों में, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आत्मनिर्भर उत्तराखंड और वोकल फॉर लोकल को लेकर एक फेसबुक पर वीडियो जारी किया। साथ ही वीडियो के साथ लिखा है कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड और हैशटैग वोकल फॉर लोकल की दिशा में राज्य में स्थापित ग्रोथ सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देहरादून के रायपुर ब्लॉक के ग्राम थानों में एलईडी ग्रोथ सेंटर की सफलता दूसरों के लिए प्रेरणादायक है। तकनीक पर आधारित इस सेंटर में विभिन्न डिजाइन में एलईडी लाइट तैयार की जाती है। इनके द्वारा लॉन्च हेलेंस लाइट एक ब्रांड बन चुका है। स्वतंत्रता दिवस पर ट्राई कलर में लाइटें तैयार की गई, जिन्हें सरकारी भवनों पर सजाया गया था। यहां कार्य स्वयं सहायता समूह से बड़ी संख्या में जुड़ी स्थानीय महिलाओं की आर्थिकी में काफी सुधार आया है। आइए हम स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों के लिए वोकल बने। देहरादून वन प्रभाग की लक्षीवाला रेंज के जंगल में वन क्षेत्राधिकारी घनानंद उनियाल के नेतृत्व में तमाम वन सुरक्षा कर्मियों ने जंगल में गश्त लगाई, वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मॉनसून सीजन के कारण जंगल के जीव जंतु, नदी नाले और पेड़ पौधों का बारीकी से निरीक्षण कर जांच पड़ताल की। वन विभाग के डिप्टी रेंजर AN नौटियाल ने बताया कि हर सप्ताह रेंज के जंगल में हमारी सुरक्षा टीम गश्त कर रही है और जंगल की वन संपदा को तस्करों से बचाने के लिए सुरक्षा को मजबूत कर रही है। जंगल में हाथ गुलदार के साथ तमाम जंगली जानवरों के लिए पानी और खाने की व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया गया।
मानसूनी सत्र में जो है ना, हमारे यहाँ लंबी दूरी की गश्त होती पैदल की। क्या तो उद्देश्य रहता है इसका? इसका उद्देश्य होता है कि ये जो अवैध प्लांटिंग है या अवैध कोई मामले होते हैं उनको रोकथाम के लिए होता है। अवैध शिकार वगैरह, पेड़ कटान, ये सब देखना, ये सब हफ्ते में एक दिन होती है सुरक्षा की दृष्टि से। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से, वन सुरक्षा के लिए। तो आज कहाँ कहाँ आपने? आज हम जो है इधर से पूरे लच्छीवाला से सुबह चले, 7 बजे 6 बजे चल दिए थे, और यहाँ पर हम जो है कितना बज गया, 10 बज गया। नाले बहुत आ रहे हैं, नदी नाले बहुत, सब ठीक है। हाँ, बहुत चढ़े हुए नदी। कोरोना काल में हर कोई बुरी तरह से प्रभावित है, व्यापार पर भी जहां बुरा असर पड़ा, तो वहीं अभी भी सरकार ने तमाम तरह की बंदिशें लगा रखी हैं, जिस कारण व्यवस्था एक पटरी पर नहीं आ रही। अनलॉक 4 की गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी कर दी है, जो 1 सितंबर से लागू होंगी। लेकिन अनलॉक 4 में भी जहां स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए, तो वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में अभी भी तमाम बंदिशें लागू रहेंगी। वाटर पार्क, मनोरंजन पार्क के साथ सिनेमा हॉल अभी बंद रहेंगे। मनोरंजन पार्क के मालिकों ने बताया कि कोरोना काल में उनका व्यवसाय पूरी तरह से चौपट कर दिया है। अनलॉक 4 में उम्मीद थी कि सरकार कुछ राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी उम्मीद थी इसमें राहत मिलेगी, हमारा होटल खुलेगा, वाटर पार्क नहीं होगा तो अम्यूजमेंट पार्क तो खुलेगा, बच्चे खुश आएंगे, कुछ इंजॉय होगा, और ना तो साफ सफाई होगी, जो रेगुलर खर्चे निकले वो खर्चे निकलेंगे। लेकिन हमारे को इससे माउदास हुए हैं, इसमें हमारे को कुछ भी रियायत नहीं मिली है इस टाइप की। कुछ होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, मेरी रियायत रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इसको अनलॉक 4 के अंदर इनको इजाज़त दी जाए। पानी का ना दिया, अगर लगता है पानी से कोरोना फैल सकता है, पानी की ज्यादा, जब से हम पूरा मेंटेनेंस करते हैं, पूरी फॉगिंग करते हैं, पूरे इसके अंदर केमिकल डालते हैं जिससे कि आगे ये कोरोना ना फैले। भीमताधारी विकासखंड के पोखराड गधेरे में पुल नहीं होने से बरसातों में सड़क से गुजरने वाले लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों के साथ ही यहां से होकर गुजरने वाले वाहनों को भी जोखिम उठाकर सड़क पर बने रपट्टे को पार कर जाना पड़ता है। भीमताल के पदमपुरी कसिया लेक सड़क में कलसा नदी पर पोखराड गधेरे में लंबे समय से पुल बनाने की गुहार लगा रहे ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि आज तक यहां पर पुल का निर्माण नहीं हुआ। बरसात में इस नदी में पानी का भी बढ़ने से सड़क पार करना इन लोगों के लिए चुनौती बन जाता है। बरसात के दिनों में पोखराड, कौल, मझेड़ा सहित 1 दर्जन गांव के लोग इस सड़क से आते हैं। दारी विकास खंड में बरसात के समय ग्रामीण कई बार जान जोखिम में डालकर कलसा नदी को पार करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में नदी पार करते समय हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय विधायक राम सिंह कैड़ा की माने तो राज्य सरकार को इसके लिए प्रस्ताव बनाने की मांग की जाएगी। माननीय अधिकारियों से मैंने कहा है कि आप इस्टीमेट बनाएं, शासन में भेजें, और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे कि जो यहाँ पर कलसा नदी है, जो यहाँ से चापी से होते हुए हल्द्वानी गोला में मिलती है, तो ये कलसा नदी की जो शुरुआत है हमारी धारी, पोखराड़, कौल और ये इधर से कसियालेक लेटीबुंगा से होती है इसकी शुरुआत। बरसात में काफ़ी दिक्कतें होती है यहाँ, क्योंकि ये कलसा नदी करके इस नदी का नाम रखा गया है। इस नदी में सर बरसात में कई काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव तेज़ हो जाता है, पानी इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आवत जावत कम हो जाए, गाड़ियों का बड़ी परेशानी होती है सर, क्योंकि दो दो तीन तीन चार चार घंटे तक वेटिंग करना पड़ता है। कोरोना काल में जहां राज्य में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया, तो वहीं इस बार काश्तकारों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फलों में पहले ही नुकसान की मार झेल रहे काश्तकारों को सब्जियां खेतों में ही खराब होने की चिंता सता रही है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में जहां राज्य में पर्यटन कारोबार पूरी तरीके से चौपट हो गया है, तो वहीं इस बार काश्तकारों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फलों में पहले ही नुकसान की मार झेल रही काश्तकारों को सब्जियां खेतों में ही खराब होने की चिंता सता रही है। नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर, धारी, संतबुंगा और पहाड़ पनी इलाकों में साल भर
हर तोड़ मेहनत करके सब्जियां पैदा करके अपनी आजीविका चलाने वाले काश्तकारों की सीजनली सब्जियां खेतों में बरसात के कारण खराब होने लगी है। टमाटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, तुरोई और कई सब्जियां नैनीताल, हल्द्वानी मंडी भेजी जाती है, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते होटल रेस्टोरेंट में खपत कम होने से पिछले सालों में इस साल आधे दाम पर सब्जियां बिक रही हैं। काश्तकार बताते हैं कि खरीदार नहीं मिलने से उन्हें इस बार लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रही है। इस बार हमारा फल और सब्जियों में मार्केट भाव बहुत नीचे रहा, क्योंकि पिछली बार से लागत तो हमारी थोड़ा बढ़ गई कम से कम 10%, और मार्केट रेट जो है पिछले साल जो मार्केट रेट था उसका 25% केवल हमें मिला। गोभी में बड़ी मुश्किल से जो है पिछले साल हमने यदि किसी काश्तकार ने भी 100 कट्टा गोभी बेची और उसने जो है 100 कट्टे में कम से कम 25-30 हज़ार रुपये सेव किया होगा, इस बार उसने 100 कट्टा गोभी बेची तो उसको 5 हज़ार रुपये देखने को नहीं मिले, क्योंकि लागत काटने के बाद उसके पास कुछ बचा ही नहीं, मार्केट में कोई रेट ही नहीं है। इसमें जो है बीन हमारे पास थी उसको अच्छा मार्केट नहीं मिला, गोभी हमारे पास थी उसको अच्छा मार्केट नहीं मिला। पहले भी उन्हें सेब, आड़ू, पूलम और खुमानी में काफी नुकसान हो चुका है। ग्रामीण अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में गन्ना किसानों का शासन प्रशासन पर पिछले साल का गन्ना भुगतान शेष है, जिसकी मांग किसान लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होने से किसान बेहद परेशान हैं। उत्तराखंड किसान कांग्रेस के आह्वान पर डोईवाला में किसान कांग्रेस के डोईवाला ब्लॉक अध्यक्ष उमेश बोरा के नेतृत्व में तमाम किसानों ने अपने आवास पर ही शासन प्रशासन को जगाने के लिए सांकेतिक धरना दिया और चीनी मिलों पर किसान के गन्ने का बकाया भुगतान जल्द करने की मांग की है। आज पूरे उत्तराखंड में किसान कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन उपवास का कार्यक्रम था, उसी के तहत आज हम लोगों ने भी अपने आवास पर किसान कांग्रेस डोईवाला उमेश बोरा और हमने भी उपवास के साथ धरना दिया है। और हमारी मांग है, जैसा कि हमारे क्षेत्र में गन्ना का मूल्य भुगतान है वो नहीं दिया गया, आज खास तौर पर हम इसे मांग करते हैं। रुद्रप्रयाग राम भरोसे चल रहा है, जहां एक और कोरोना महामारी के कारण जनता परेशान है, तो वहीं जिले में महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों के पद रिक्त होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में एक साल से आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है, वहीं मुख्य विकास अधिकारी की कुर्सी 6 माह से खाली है। इसके साथ ही तहसीलों से जहाँ तहसीलदारों का टोटा बना है तो वहीं कर्मचारियों की भी कमी है। कई क्षेत्रों में पटवारियों के बिना ही चौकियां सूनी पड़ी है। ऐसे में आपदा से अति संवेदनशील जनपद राम भरोसे ही चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिले का निर्माण 16 सितंबर 1997 को हुआ था और जिला निर्माण के अगस्त्यमुनि और ऊखीमठ ब्लॉक को पूर्ण रूप और पोखरी एवं कर्णप्रयाग ब्लॉक का कुछ हिस्सा चमोली जिले से लिया गया। इसके साथ ही जखोली और कीर्ति नगर ब्लॉक का हिस्सा टिहरी से तथा खिरसू ब्लॉक का हिस्सा पौड़ी जिले से लिया गया। जिला निर्माण के बाद जनता को लगा था कि अब उनकी समस्याएं समय से हल हो पाएंगी, मगर ऐसा आज तक नहीं हो पाया। रुद्रप्रयाग जिले में 4 तहसीलें हैं, जिनमें रुद्रप्रयाग, जखोली, ऊखीमठ व बसुकेदार शामिल है। इन तहसीलों में अधिकारियों की तैनाती न होने से जनता को भटकना पड़ रहा है। उपजिलाधिकारी के कार्यालय में बैठने का इंतजार करना पड़ता है। सुबह से शाम तक उपजिलाधिकारी का इंतजार करते करते जनता थक जाती है, मगर उनके दीदार नहीं हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ तहसील में उपजिलाधिकारी के रवैये से जनता दुखी है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ तहसील में तहसीलदार के न होने से जनता परेशान है। तहसील ऊखीमठ और रुद्रप्रयाग में तहसीलदार का पद रिक्त चल रहा है। रुद्रप्रयाग तहसील का जिम्मा जखोरी तहसीलदार को दिया गया है और ऊखीमठ का जिम्मा बसुकेदार तहसीलदार संभाल रहे हैं। तहसीलों में कर्मचारियों का रवैया भी जनता के प्रति सही नहीं है। वर्षों से कर्मचारी एक ही जगह पर टिके हैं, इनका ट्रांसफर न होने से भी इनका व्यवहार जनता के प्रति सही नहीं है और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी इन मामलों को लेकर अपना मुंह मोड़े हुए हैं। आपदा से ग्रस्त जनपद में आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद भी रिक्त चल रहा है, जबकि मुख्य विकास अधिकारी की कुर्सी भी खाली पड़ी है। ऐसे में आपदा के समय लोगों को समय से राहत नहीं पहुंचाई जा रही, तो मुख्य विकास अधिकारी के न होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रयाग जिले में मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ का महत्वपूर्ण पद कई समय से रिक्त चल रहा है और जिले की 2 तहसीलों में भी तहसीलदार के पद रिक्त चल रहे हैं। और इसके अलावा जिले का महत्वपूर्ण विभाग आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है। मैं प्रदेश सरकार से ये मांग करूंगा कि यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में जल्द ही अधिकारियों की
तैनाती की जाए। जिले में यहाँ पे आपदा के इस अति विशिष्ट समय पे कोरोना महामारी के होते हुए मुख्य विकास अधिकारी का पद रिक्त है और अन्य तहसीलों में तहसीलदार नहीं है, छोटे पदों पे पटवारी नहीं है, कई जगह पटवारी के पद रिक्त हैं, कई जगह आपदा अधिकारी, आपदा प्रबंधन मेन चीज़ है और आपदा का अधिकारी यहाँ पे नहीं है। सुनने में आया था अभी कुछ दिन पहले नियुक्ति होने वाली है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई नियुक्ति नहीं है, जिससे एक आम आदमी जिसका जिले से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं जिलाधिकारी वंदा सिंह ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर कार्रवाई चल रही है, जबकि सीडीओ को लेकर प्रशासन स्तर से वार्ता हो रही है। इसके अलावा अन्य रिक्त पदों को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। अभी हमारे यहाँ पे जो तहसीलदार के पद रिक्त चल रहे हैं उनमें हमारे दो तहसीलों के तहसीलदारों को हम लोगों ने डबल चार्ज दिया है, साथ ही में जो प्रशिक्षु नायब तहसीलदार हैं उनको सामान्य प्रशासनिक कार्यों के लिए संबंधित तहसीलों में दिवस निर्धारित करके बैठने के लिए निर्देश यहाँ से जारी किए गए हैं। सीडीओ के रिक्त पद के संबंध में शासन स्तर पर वार्ता हुई है, तो वहाँ से ये आश्वासन मिला है कि इस माह में वो सीडीओ के पद के संबंध में निर्णय हो जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के रिक्त पद के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, अगले 10 दिन के अंदर अंदर उसमें संबंधित अधिकारी के द्वारा ज्वाइनिंग किए जाने की संभावना है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज़ के लिए रोहित टिमरी की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बारिश और भूस्खलन के कारण रुद्रप्रयाग जनपद में अभी भी 20 से अधिकांश मोटर मार्ग बंद हैं। जनपद के सबसे दूर क्षेत्र पूर्वी बागर को जोड़ने वाला बक्सीर मोटर मार्ग विगत एक माह से बंद पड़ा है। बांगर क्षेत्र की हजारों की आबादी किसी तरह से पैदल आवाजाही करके रोजमर्रा की सामग्री का जुगाड़ कर रहे हैं। यहां मोटर मार्ग पर नदी बह रही है और वाहन पानी के बहाव में फंस रहे हैं। बारिश और भूस्खलन से बड़ी परेशानियां, रुद्रप्रयाग में 20 से अधिक सड़कें बंद, छेनागार्ड बक्सीर मोटर मार्ग एक महीने से बंद, 100 से ज्यादा गांव मोटर मार्ग बंद होने से प्रभावित, पानी के बहाव में फंस रहे वाहन। बारिश और भूस्खलन का रुद्रप्रयाग जनपद में बुरा असर देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 20 से अधिक सड़कें बंद होने के कारण ग्रामीण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जिनका पिछले एक माह से जिला मुख्यालय से ही संपर्क कटा हुआ है। लिंक मोटर मार्गों के पर जगह जगह मलबा आया हुआ है। प्रशासन का ध्यान सिर्फ बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे को ही सुचारू करने में है, ऐसे में जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मोटर मार्ग बंद होने की दिशा में जिले के 100 से अधिक गांवों के ग्रामीण पैदल आवाजाही करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि पूर्वी बांगर क्षेत्र के छेनागाड़ बक्सरी मोटर मार्ग पर तेज बहाव में आया गदेरा बह रहा है और बीच में एक मैक्स वाहन फंस गया है। ये वाहन पानी के तेज बहाव और दलदल में फंसा हुआ है।
मोटर मार्ग पर पुल न होने से मजबूरी में वाहन चालकों को सड़क पर बह रहे गदेरों के ऊपर ही जान जोखिम में डालकर वाहनों को ले जाना पड़ रहा है। लगभग एक हफ्ते से बहुत ही तेज बारिश यहाँ पे हो रही है पूरे जनपद में, और पिछले तीन दिन से लगातार बारिश के कारण ये हमारे जो मार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी हमारे बंद हैं और जो संपर्क मार्ग हैं वो बंद हैं, परंतु उनको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक और अपने संगठन के माध्यम से विभाग संपर्क किया जा रहा है समस्त विभागों को, चाहे PMGSY हो, चाहे जो हमारी जो राज्य सेक्टर की सड़कें हैं उनको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग की सड़कें बंद पड़ी हैं। बंद पड़े लिंक मोटर मार्गों को खोलने का कार्य जारी है। जगह जगह JCB मशीन भिजवाई गई। मॉनसून सीजन को देखते हुए पहले ही स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां भेजी गई और सस्ते गल्ले की दुकानों में राशन भिजवाया गया, जिससे ग्रामीणों को कोई भी परेशानी ना हो। JCB स्थलों पर लगाए जाने के लिए निर्देश विभागों को दिए हैं। मुख्य रूप से संवेदनशील स्थलों पर JCB विभाग के द्वारा तैनात भी की गई है। एक जो रोड जो चुपता रोड है PMGSY का भेरी होते हुए ज़्यादा लंबे समय से यही रोड बाधित है, अदरवाइज अन्य जो छोटे लिंक मार्ग हैं उनको खोला जा रहा है। जैसे जैसे समय जो है बरसात बंद होती है उसको खोल दिया जाता है। भेरी वाले मोटर मार्ग में इसलिए PMGSY को थोड़ी समस्या आ रही है कि वहाँ लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, तो JCB काम नहीं। बहरहाल उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो रहा है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टिम्बे की रिपोर्ट। और हमारा उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज एरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाएं तब, बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान।